तो इधर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तो बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 8158 वार झूठे जां गुमराह करने वाले दावे किए ने। एक मीडिया रिपोर्ट में गल कही गई है। यह रिपोर्ट ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 2 साल पूरे होने आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले साल रोजाना औसतन करीब 6 वार गुमराह करने वाले दावे किए सन, जबकि दूजे साल उन्होंने 3 गुना तेजी रोजाना अजिहे करीब 17 दावे किए सन। अखबार ने अपनी रिपोर्ट फैक्ट चेक के अंकड़िया का हवाला देंदे हुए एक बयान दिता है कि विश्लेषण वर्गीकरण ते पता लगाउण दा काम कीता। फैक्ट चैक दे अंकड़िया मुताबिक ट्रंप राष्ट्रपति बनन तो लैके हुण तक 8158 वार झूठे अते गुमराह करन वाले दावे कर चुके ने। अखबार ने आख्या कि इस रिपोर्ट विच राष्ट्रपति दे दूजे साल कीते गए अजिहे 6000 तो वध हैरानीजनक दावे शामिल हन। रिपोर्ट विच आख्या गया कि ट्रंप ने सब तो ज़्यादा गुमराह करन वाले दावे इमीग्रेशन नूं लैके कीते सन। इस संबंध विच ट्रंप हुण तक 1433 दावे कर चुके हन, जिन्हां विच बीते 3 हफ्तिया दौरान कीते गए 300 दावे शामिल हन। रिपोर्ट विच आख्या गया कि ट्रंप विदेश नीति नूं लैके 900 दावे कर चुके हैं, इस मगरों व्यापार अर्थव्यवस्था और नौकरियों का नंबर आता है। इसके अलावा होर मामलों को लेकर ट्रंप 899 बार दावे कर चुके हैं, जिस विच मीडिया और अपने दुश्मन कहे जाने वाले लोगों से गुमराह करने वाले हमले शामिल हैं। रिपोर्ट मुताबिक सिर्फ 82 दिन अपने कार्यकाल के करीब 11% समय में ट्रंप का कोई दावा दर्ज नहीं किया गया। इस ज़्यादातर वह समय जिस गोल्फ खेडन बिजी सन।